तेरा तो गेम बजाना पड़े। दोस्तों 14 अगस्त 1947 वो अजीम दिन है जब अंग्रेजों ने हमसे जान छुड़वाई थी। What? यानी कि हम आजाद हुए थे और पाकिस्तान के नाम पर एक आजाद रियासत हमने अपने लिए बनाई थी। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है जी। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो आप मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। अलग पाकिस्तान और अलग वतन इसलिए बनाया गया क्योंकि हिंदू मुसलमानों को मारते थे। फिर मुसलमानों ने फैसला किया कि हम एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां किसी हिंदू की जरूरत नहीं होगी कि वो मुसलमान को मार सके। हाँ, मुसलमान मुसलमानों को मारेंगे। समझ रहे हो आप? हर साल पाकिस्तानी 14 अगस्त को बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं और पाकिस्तान का कौमी खिलौना बाजा तो लोग इतने शौक से और इतने जोर जोर से बजाते हैं जैसे उनकी बाजी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 14 अगस्त में रिकॉर्ड होने वाले कुछ फनीएस्ट मोमेंट्स दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखने के बाद आप इंजॉय करोगे और खूब इंजॉय करोगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो भी इस वीडियो को लाइक कर दें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले राणा साहब को देख लें कि ये कहाँ पर पहुँच गए हैं और कैसे आज़ादी मना रहे हैं। इसी तरह इस चाचा जी को देख लें जो 14 अगस्त के मौका पर बाजे बेच रहे हैं और साथ ही साथ हुकूमत का बाजा भी बजा रहे हैं। आज में कीचड़ और हुकूमत है लीचड़। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, जिसकी है पहचान पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। आवाम सो रही है और महंगाई हो रही है। मुन्ना रो रहा है और दूध महंगा हो रहा है और मुन्ने का अब्बा नफसियाती हो रहा है और मुन्ने की अम्मा मैं के चलेंगे बहुत ज्यादा नफसियाती हो गया। ये सब कुछ महंगाई की वजह से हो रहा है। ये वतन हमारा है, समझ में नहीं आ रहा है। अपने को उनके जान मन के खा रहे सियासतदान। जीवे जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? सारे पैसे दिल्ला और मुल्क से फरार हो जा। पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान से जिंदाबाद में तो मार दिया। हेलो अब जरा इकबाल के शाहीनों को भी देख लें कि 14 अगस्त कैसे मनाते हैं। और यार बच्चे तो बच्चे ही हैं। इस दादी जी को भी देख लें जिन्हें बाजा बजाने का शौक चढ़ा हुआ है, वो भी इस उम्र में। पहले तो यार लड़के सलेंसर ही उतार देते थे लेकिन अब सलेंसर में भी ये बाजा फिट कर रहे हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। यार पाकिस्तान में अभी भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें ये तक नहीं पता कि 14 अगस्त को क्या हुआ था लेकिन उन्होंने 14 अगस्त मनानी ही है। और कुछ तो ऐसे हैं जो 14 अगस्त की नमाज पढ़ने के लिए घर से वुजू करके भी निकल आते हैं। ये भी कंफर्म कर लो का और ये भी कंफर्म कर लो। ये 14 अगस्त किस तारीख को है यार, ये भी पता कर लो क्योंकि उस दिन तो भी छुट्टी होता है। 14 अगस्त किस तारीख को है ये भी पता कर लो। 14 अगस्त तो 19 तारीख को हो गए इंशाल्लाह और नमाज 8:30 बजे होगी। इन चाचा जी को भी देख लें जिन्होंने 14 अगस्त के मौका पर अपने जहाज को तैयारे में बदल दिया है। हुण वेखो नाज़रीन, दुनिया का आखिरी अकलमंद इंसान इत्थे रख। एहो जे बंदे होंदे नाज़रीन जिहड़े अपनी कंध ढाउंदे नालदियां दा कमरा भी सिड़ दिंदे। कौन है ये लोग? और यार सची सची में बताना, ये गाना सुनने के बाद आपके जहन में कौन सा पॉलिटिशियन आ रहा है? जिंदा चोर है, पाइंदा चोर है, हम जिंदा चोर है, पाइंदा चोर है, हम सबकी है पहचान, लूटा हुआ पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, लूटा हुआ पाकिस्तान। 14 अगस्त के दिन हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो सब्ज रंग के कपड़े पहने लेकिन इस लड़की ने तो हद ही कर दी। भाई देखो, इसने तो सब्ज रंग का पराठा ही तैयार कर दिया। और...
और जब आप लड़कों को कहो कि आप बाजा क्यों बजा रहे हैं तो उनका जवाब सुनिए। हम लोग तो फिर भी बाजे बजा रहे हैं तो पूरी सियासतदान मुल्क की बजा बैठे, उनका क्या करना है। बात तो सही है। अब इसी तरह इस वीडियो में इस बंदे को देख लें जो अनोखे तरीके से 14 अगस्त मना रहा है। इस बंदे ने देखो कितना लंबा डंडा पकड़ा हुआ है और ऊपर झंडा देखो कितना छोटा है। शर्मोल कहीं। और बच्चों ने तो भाई झुंड के झुंड बनाए होते हैं, पूरी पूरी टीमें बनाई होती हैं अपने मोहल्ले की पूरी टीम, और उन्होंने हर 7-8 मिनट के बाद किसी ना किसी घर के आगे जाकर उसकी बैंड जरूर बजानी होती है। हर किसी का अपना अपना अंदाज होता है 14 अगस्त मनाने का, आजादी का दिन मनाने का, पाकिस्तान के नाम खुशियां मनाने का, जश्न मनाने का। इसी तरह इस बंदे को देख लें ये अपनी खुशियां किस तरीके से मना रहा है। वतन से मोहब्बत का इजहार, भाई वाह। ये क्या है? अब भाई कुछ ऐसी मखलूक है जो बाजा बजा बजा कर थक जाती हैं, लेकिन वो थोड़ी सी क्रिएटिव होती हैं तो अपना माइंड लगाकर कुछ नया ही जुगाड़ लगा लेती हैं। इन पाकिस्तानियों को देख लें। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। और भाई कराची वालों ने तो सोचा कि अब कायदे आजम को जगाना ही पड़ेगा, हम तो सोए हैं, चलो कम से कम कायदे आजम ही जाग जाएं। इसलिए पूरी टीम पहुंच गई बाजे लेकर कायदे आजम के मजार पर उनको जगाने के लिए। और लगता है कि कराची वालों की ये ट्रिक काम भी कर गई, इसलिए कायदे आजम बजाते खुद कराची पहुंच गए, लेकिन नॉन पीटीए। इस कायदे आजम के जरा से स्क्रू ढीले हैं, बाकी फंक्शन सारे वही हैं। और इस बंदे को भी सलाम है भाई। इस बंदे ने वो कर दिया जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े साइंसदान पाकिस्तान के ना कर सके, लेकिन इस बंदे ने पाकिस्तान का असली झंडा फाइंड कर लिया। ये नहीं है पाकिस्तान का असल झंडा, असल झंडा मिल गया मुझे। बच्चे बूढ़े जवान क्या भाई, यहाँ पर तो आंटियों का भी दिल कर रहा है बाजा बजाने को। इस आंटी को देख लें जो मोटरसाइकिल पर बैठकर बाजा बजा रही हैं और नौजवानों को हिम्मत दिला रही हैं कि काम चुक के रखो। वाह दीदी। और ये जो सब लोग 14 अगस्त के दिन जोशो खरोश के साथ आजादी मना रहे थे, जश्न मना रहे थे, इनको देखें इनकी मालूमात कैसी है 14 अगस्त के बारे में। इनको ये तक नहीं पता कि 14 अगस्त को हुआ क्या था, लेकिन आपस में डिस्कशन देखो ये क्या कर रहे हैं। 14 अगस्त की तैयारी तो तुम लोग ऐसे कर रहे हो, मारो पता भी है 14 अगस्त को हुआ क्या था? हाँ मुझे पता है, कायदे आजम की शादी थी। नहीं नहीं कायदे आजम आजाद हुए थे। पागल हो गए तुम लोग, कायदे आजम पैदा हुए थे। जी तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भाई चैनल थोड़ा सा डाउन हो गया है, इसलिए जो भी बंदा अब तक ये वीडियो देख रहा है प्लीज आपसे गुजारिश है अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर जरूर करें ताकि हमारा चैनल थोड़ा सा ऊपर आ जाए और हम अच्छा सा कॉन्टेंट आपके लिए लेकर आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।